ढूंढते हैं कि कहाँ मिलता है हमें। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नानिया ब्लॉग में। और आज भी यही हूँ मैं दीदी के घर। मुझे नहीं पता कब जाऊँगा, या तो शाम को जा सकता हूँ या फिर कल, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी 9 बज रहे हैं और अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। मिलते हैं सबसे, क्या क्या करें, जैसे कि बच्चे अभी भी चिल्ला ही रहे। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका नाम नक्श है, नक्श नक्श। और कल्याणी तैयार हो गई अभी स्कूल जाने के लिए, और इसको स्कूल जाना पड़ता है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बाहर। कितने को स्कूल देखने को मिलेगी इसकी, क्योंकि इसे मैं ही छोड़ने जाने वाला हूँ बाइक से। जैसा कि मैं बताता हूँ ना कि बाइक में नहीं चलाता, घर पे नहीं चलाता, क्योंकि घर पे मुझे कोई बाइक देता ही नहीं, लेकिन यहाँ मिल जाती है तो मैं चला लेता हूँ। और काम भी होता है, जीजा जी की अभी तबीयत ख़राब चल रही है तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। और दगड़िया का खाना चल रहा है अभी, और चूरी चूरी ना खा रहा, मतलब चूरा कर करके खा रहे हैं। क्या बनाया दीदी? तुअर की दाल। तुअर की दाल बनाई है, कैसी लग रही है? अरे ये तो मोबाइल में बिजी है, देखो ये अभी क्या कर रहा है, खाना भी खा रहा है और उधर मोबाइल में कुछ देख भी रहा है। तो गाइस मैं स्कूल जा रही हूँ, और आपको मेरी स्कूल देखने को मिलेगी। हाँ, इसके स्कूल देखने को मिलेगी। 10 बज गए। चलो चले फिर। चलो, तेरी मम्मी कहाँ? मम्मी अंदर बाहर निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। स्कूल जाना है और दीदी को पिसवाने हैं गेहूँ, तो दीदी भी आ रहे हैं साथ में, और बाइक हमारी यहाँ खड़ी है, इससे जाने वाले हैं, तो हम निकलते हैं यहाँ से, घर से। I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby. गाइस फाइनली कल्लू को भी स्कूल में छोड़ दिया, उसकी स्कूल साइड में, और दीदी को लाए थे हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। और अभी वायरल फीवर चल रहा है, कोई सर्दी जुकाम और बुखार का, तो वही हुआ है और दोनों को। A few moments later. मैं वापस से आ चुका हूँ, बाइक रख दी है और आप जाते हैं अंदर। ये दीदी का घर है इस तरह से। फिर दीदी क्या हुआ, आप क्या करें फिर? चलने भाई, चलना ना अंदर ही। और वापस चले? एक बार और। शाम हो रही है और शाम को ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कल्लू को ना तो सुबह छोड़ के आया था स्कूल, वहाँ नागझिरी 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ बाइक से रखने भी जाना पड़ता है और लेने भी, तो मैं नहीं गया लेने के लिए। जीजा जी गए हैं, वो लेके आ जाएंगे और भी कुछ लाएंगे शायद, तो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा, आज की वीडियो में नहीं। लेकिन अभी शाम हो गई है, तो मैं और जो जीजा जी के भाई है, छोटे जीजा जी, वो और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और अभी घर में खाने के लिए क्या बन रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। दीदी खाना बनाने की तैयारी कर दी है दीदी ने। फिर दीदी आज तो हरी हरी सब्जियाँ देखने को मिल रही है ये पर सब्जियाँ ना तो दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक वड़ोड़ और एक बैंगन। बैंगन और वड़ोड़ बनाने वाले हो क्यों? चिकन विकन ले आते जीजा जी गए तो खरगोन लाड़ी ला भाई लगाई था। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं लगाता, लगाई था कहीं ले आओ। नहीं लाते रहने दो, ये यही बनाओ, यही खा लेंगे। वैसे भी कभी कभी तो खाता हूँ, एक दिन तो खा ही सकता हूँ महीने में। वो घर में ना तो पहले जब बनाते थे तो खाया था 2-4 दिन, उसके बाद आदत लग गई थी घर वालों को भी कि खा तो लेते हैं तो बनाओ। ऐसा कुछ सीन है घर का है, घर में ना तो 2-4 दिन बनी भी थी और आपको दिखाई भी थी कि हमारे यहाँ आप सब्जी बनने लगी, तो 4 से 5 दिन लगत बनी, तो उसमें ना पागल हो गए थे, यारी सब्जियाँ कौन खाए, तो इसीलिए हमको ना तो बंद करवानी पड़ी। वैसे मैं भी नहीं खाता और बहुत सारे लोग हैं मेरे घर में जो हरी सब्जियाँ नहीं खाते, दालें खाते हैं तो दालें बनती है मस्त, दालें ही सबको पसंद है और हम दालें ही खाते हैं। यहाँ भी एक टाइम ना तो तुअर की दाल ही बनाते हैं, एक टाइम या तो सुबह बनेगी या फिर शाम को। अभी शाम को जैसे कि हरी सब्जी बन रही है
तो सुबह फिर से तुअर की दाल बनेगी, जैसे कि सुबह तुअर की दाल बनी थी ना वैसे ही। तो अब जाते हैं वहाँ जो कि मैं टाइटल रखने वाला हूँ उसके लिए जाते हैं। वैसे अभी हम जा रहे हैं कहीं आल लेने के लिए, और वो क्यों जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब हम ले के आएंगे ना तब। लेकिन अभी जीजा जी के साथ जा रहा हूँ। वाह मुर्गा टूट गया गाड़ी का। A few moments later, हम एक खेत में आ गए हैं और किसी से बिना पूछे ही हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं। अगर खेत वाला आएगा तो चिल्लाएगा, उसको बोलेंगे कि हम क्या करने आए हैं। वैसे चने लगे हुए हैं यहाँ और सूख भी गए, तो चिल्लाएगा ही वो जो भी खेत वाला होगा। लेकिन देखते हैं कि आगे होता क्या है। वैसे एक मुझे भी मिला है, ये वाला पेड़ लेने के लिए हम आए हैं ये, और ऐसे बहुत सारे चाहिए हमको पाला। और किसके लिए पाला चाहिए वो आपको घर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही मेरा मेन टाइटल होने वाला है यार कल के वीडियो के लिए। तो देखते हैं ढूंढते हैं कि कहाँ मिलता है हमें ये वाला पाला। यहाँ चने हैं बहुत सारे, चनों में देखना पड़ेगा। तो गाइस पहले ना तो हम ढूंढ लेते हैं पाला बहुत सारा, उसके बाद बात करते हैं। बहुत सारी आल नहीं मिली मुझे, बहुत सारी उधर मिली है मुझे, थोड़ी सी मिली क्योंकि मैं जानता भी नहीं था इस पेड़ को, तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए थोड़ी सी मिल गई है मुझे और बहुत सारी वहाँ हैं, तो इतने में हो जाएगा। और किस लिए हम ले जा रहे हैं वो आपको आप घर जाके बताते हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। A few moments later, पहले हम आ चुके हैं घर और अब मैं बताता हूँ कि आल हम किस लिए लाए हैं। एक आम असी निवारना पड़ेगा, नहीं छाटना पड़ेगा। तो गाइस इन चारों के लिए लाए थे आल, और ये आप देखो है क्या, खरगोश है खरगोश, खरगोश है खरगोश, छोटे छोटे से। अरे कहाँ भाग रहे हैं, कैसे खा रहे, हे डराए मत डराए मत। और इनको पकड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा डरते हैं ये। नहीं 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 रेंद खांड साल, देखो जगह जगह बिखेर दिए अभी ना, तो चारों के चारों खाएंगे। बस ये फोटो खिंचवाने के लिए बैठा है, बस अच्छे आ गई फोटो बस। तो अपलोड कर दूँ ना तब तो देख लेना कि क्या कहाँ है वीडियो। तो बस फाइनली अब देखो इन दोनों को ना तो मैंने हाथ में पकड़ रखा, और इनके नाखून ना तो चुभते हैं यार बहुत ज़्यादा। और ये छोटे जीजा जी के, इन हमारे नहीं है, तो इनके लिए लेने के लिए गए थे पाला, जो कि आपने देखा हम क्या लाए थे पाला खाने के लिए, थोड़े से चने और फिर आल खाते कोथमीर वही लेने के लिए गए थे। और इस तरह से दिखते हैं छोटे छोटे से, और दो और है लेकिन उनको नहीं लाएंगे क्योंकि दो ही में हमारा काम हो जाएगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। पता ना कि ये पालना चाहिए कि नहीं, वैसे यहाँ तो हम पालते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। और इनके ना तो अभी छोटे छोटे से बेबी भी आने वाले हैं, वो दो है ना वो अंदर, उनके पता नहीं किनके मुझे नहीं पता, लेकिन दो आने वाले हैं। और तो उनको ना तो हम रखते हैं घर पे, मैं नहीं रखता जीजा जी रखते हैं, पालते हैं उनको, बहुत ज़्यादा शौक है जानवर पालने का। जैसे कि पहले मिट्ठू वगैरह लाए थे, तो वैसे ही अभी ये खरगोश लाए हैं, और ऐसे वो पालते रहते हैं। कबूतर भी लाने वाले हैं, पता नहीं कब लाएंगे। लेकिन आप लोग बताना कि आप कितने लोग ऐसे पालतू जानवरों को पालते हो, जैसे कि कुत्ते हुए बिल्ली, बहुत सारे शौक हैं लोगों के, बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है डर इनसे। इस व्लॉग का एंड करने से पहले मैं बता दूं कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ वीडियोस चेक करो, ये भी अब आता है वीडियोस में, इंस्टाग्राम के वीडियोस में भी और यूट्यूब में तो आता ही है, इंस्टाग्राम के वीडियोस में ये भी है। कल्याणी देखने को मिलेगी, दीदी देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर जाइएगा इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना कि हम कैसे के वीडियोस बनाते हैं, वैसे अच्छे ही बनाते हैं, फॉलोअर्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी आते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टाग्राम के लिए। और यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ यार अच्छे से, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, जिससे कि वीडियो को थोड़ी बहुत रीच मिले और वीडियो
ज़्यादा ज़्यादा चले। और इंस्टाग्राम पे आप जाना भूलना मत, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा। तो अब कर देते हैं इस व्लॉग का भी एंड। अगर हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नया चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सो गाइस, मिलते हैं एक ऐसे ही व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।